Good morning, students. Today we will continue with the same chapter, that is chapter number 8, polynomial, and in our today's video we will discuss worksheet 2 of this chapter. So dear students, the learning outcome of our today's class, that is at the end of this video, you will be able to divide a polynomial by a monomial. Now let us understand it with the help of some examples. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं वर्कशीट टू क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल. तो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा क्या है इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन है 6x³ को डिवाइड करना है मुझे 3x² के साथ. देख सकते हो ये दोनों सिंगल टर्म्स है, दोनों मोनोमियल है, तो इनको कैसे डिवाइड करना है. तो वी कैन राइट इट एज 6x³ अपॉन 3x², फिर जो नंबर है मैं सेपरेट कर रहा हूँ और जो वेरिएबल पावर्स वाले उनको अलग लिख रहा हूँ. ये क्या बन जाएगा 6/3 इंटू x³/x² 6 और 3 की कटिंग कर सकते हो आप. यहाँ पे आ गया 2 और इधर क्या हो जाएगा बेटा x³/x² तो एक्सपोनेंट का हमने पढ़ा था अगर दो नंबर्स a पावर m अपॉन a पावर n तो डिवाइड में क्या होती है पावर्स. यस बेटा सब्ट्रैक्ट. तो इसमें 3-2 पावर क्या बन जाएगी 1. तो 2x विल बी योर फाइनल आंसर. सिमिलरली यू कैन सी द थर्ड पार्ट. सेकंड भी बिल्कुल सेम है, वो आप खुद कर सकते हो. आई एम डूइंग थर्ड पार्ट नाउ. क्वेश्चन है -5z² को डिवाइड करना है बेटा अंडर रूट 5z. इसको भी बिल्कुल सिमिलर वे में वी कैन राइट -5z² अपॉन अंडर रूट 5z. अब बेटा इसको ध्यान से समझना, जो -5z² है माइनस तो एज इट इज, जो 5 है 5 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5. दो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे 5 ही बनाएंगे. और इसके नीचे जो एक अंडर रूट 5 ऑलरेडी है और जो वेरिएबल है वो सेपरेट लिख दिए z^2 अपॉन z. अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 5 एक अंडर रूट 5 के साथ कैंसिल, तो ऊपर से बचा माइनस अंडर रूट 5 और इधर z^2 और z^1. फिर से सेम रूल, z की पावर क्या आ जाएगी 2-1 दैट इज ओनली z. तो माइनस अंडर रूट 5z विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है बेटा, ऐसे एक और पार्ट देख लेते हैं. लेट्स से फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 4√2y³/3√2y² ये भी बिल्कुल सेम वे से बेटा. आप पहले 4√2y³/3√2y² फिर अलग कर लो 4√2/3√2 और साथ में y³/y² अब इसको कैसे लिख सकते हो. देखो 4√2/3√2 √2 कैंसिल 4/3 एज इट इज. अब यहाँ पे y³/3/y²⁻¹ तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 4/3y. अब बेटा इस क्वेश्चन के मैंने ऑड पार्ट्स कर दिए हैं, इवन पार्ट्स यू कैन ट्राई. बिल्कुल सिमिलर वे से सारे हो जाएंगे, आई होप वो आप कर लोगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 बेटा. क्वेश्चन क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल. तो सी द फर्स्ट पार्ट. एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज 6x4 -24x³+15x² +9. इसको आपने डिवाइड करना है एक मोनोमियल के साथ जो कि है -3x². अब बेटा एक पूरी पॉलिनोमियल है उसको हम एक सिंगल टर्म डेट इज एक मोनोमियल के साथ डिवाइड कर रहे हैं. तो कैसे लिखना है? सबसे पहले आपने हर एक टर्म के नीचे जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस मोनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो, वो नीचे लिख देनी है. दैट इज
6x4 upon minus 3x square minus 24x cube upon minus 3x square plus 15x square upon minus 3x square plus 9 upon minus 3x square. अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इन चारों टर्म्स को अलग अलग सॉल्व कर लो. देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6 अपॉन माइनस 3 और साथ में x पावर 4 अपॉन x पावर 2. सिमिलरली माइनस 24 अपॉन माइनस 3 इंटू x पावर 3 अपॉन x पावर 2 प्लस 15 अपॉन माइनस 3 x पावर 2 अपॉन x पावर 2 प्लस 9 अपॉन माइनस 3 इंटू, अब ऊपर x नहीं है तो 1 अपॉन x स्क्वायर. अब जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं. माइनस 3 और प्लस 6 कटिंग हो जाएगी, 3 वन जा 2 जा, तो ये आ गया 2 अपॉन माइनस 1 और इधर x पावर 4 अपॉन x पावर 2. सिमिलर वे में डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट, तो इसको लिख लेते हैं 4 माइनस 2. नेक्स्ट देखो माइनस 24 माइनस 3, पहले तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 3 के टेबल पे 3 वन जा 3 एट जा, तो यहाँ पे 8 आ गया. अब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, x 3 माइनस 2. अब फिर से 3 वन जा 3 फाइव जा, तो ये आ गया प्लस 5 अपॉन माइनस 1 और साथ में अब दोनों x स्क्वायर हैं तो ये x की पावर क्या आ जाएगी, 2 माइनस 2. अब यहाँ पे 3 के टेबल पे फिर से कटिंग, ये आ जाएगा 1 अपॉन सॉरी 3 अपॉन माइनस 1 और साथ में 1 बाई एक्स स्क्वायर. अब इसको थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये जो नीचे माइनस है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ. माइनस 2 एक्स पावर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x पावर 2 प्लस 8 x की पावर 3 माइनस 2 1. अब इसका भी जो माइनस है नीचे उसको ऊपर लिख दिया माइनस 5. अब x पावर 0, x पावर 0 एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा था 1, तो ये सिंपली माइनस 5 ही रहेगा. और प्लस ये भी माइनस है तो इसको लिख सकता हूँ माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. x की पावर 1 को सिंपली आप x भी लिख सकते हो या पावर 1 भी लिख सकते हो. तो चलिए बेटा इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, अगेन पॉलिनोमियल इज गिवन 2√2 क्यू पावर 4 प्लस 4√2 क्यू पावर 3 प्लस क्यू स्क्वायर को डिवाइड करना है मुझे मोनोमियल के साथ, विच इज माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर. तो अगेन बेटा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो मोनोमियल है उसको हर एक टर्म के नीचे लिखो, दैट इज 2√2 क्यू पावर 4 अपॉन माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर प्लस 4√2 क्यू पावर 3 अपॉन माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस 2√2 क्यू स्क्वायर. अब जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किया, अकेले अकेले को सॉल्व कर लो. ये देखो रूट टू और रूट टू कैंसल, टू और टू कैंसल, ये जो नीचे माइनस है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ और क्यू पावर 4 माइनस क्यू पावर 2 प्लस अगेन रूट टू विल कैंसिल आउट, 4 ऊपर नीचे 2, 2 वन्स आ 2 टूज आ, जो नीचे नेगेटिव है उसको ऊपर लिख लेते हैं माइनस 2 और क्यू की पावर आ जाएगी 3 माइनस 2 प्लस. अब देखो ऊपर कोई कांस्टेंट नहीं है तो ऊपर 1 नहीं है, 1 अपॉन माइनस 2√2 एज इट इज क्यू पावर 2 क्यू पावर 2. अगेन क्यू की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 दैट इज 0, तो अब इसको मैं लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, फिर से माइनस 2 क्यू, अगेन ये वाला माइनस माइनस 1 बाय 2√2 और क्यू पावर 0 तो बेटा 1 ही होता है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. तो सिमिलरली बेटा यू कैन ट्राई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय अ मोनोमियल यूजिंग, अब बेटा कौन सा मेथड यहाँ पे लिखा उन्होंने, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अच्छा, डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये भी कहा ऑल्सो राइट द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो सबसे पहले डिवाइड देखो कैसे करना है। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसको आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ये याद रखना है बेटा, पेपर में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के भी मार्क्स हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल मैंने बताई थी फर्स्ट वर्कशीट में, सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 6x4, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है पावर, 6x4 आ गया, फिर माइनस 8x3, क्यूब के बाद स्क्वायर वाली, लेकिन स्क्वायर वाली पावर नहीं है, तो फिर सीधा 12x, एंड देन लास्ट में जो है वो कांस्टेंट टर्म -4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब इसको मुझे डिवाइड करना है मोनोमियल के साथ। तो लॉन्ग डिवीजन जैसे करते हो बेटा आप, ये आपका हो गया डिविडेंड और फिर डिवाइजर क्या है 2x5, सॉरी 2x2 है बेटा यहाँ पे, इट इज 2x2 है। तो 2x2 को अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरा आंसर है वो 6x4 आ जाए। 2x2 को अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 6x4 बन जाए। तो सबसे पहले तो जो 2 को किस से करूं कि 6 बन जाए, ऑब्वियसली 3 से, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब x2 को किस से करें कि x4 बन जाए, अगर मैं इसको x2 से करूं तो देख सकते हो आप 2 × 3 6 भी आ जाएगा, और x2 × x2 क्या होता है बेटा 6x4। तो जो आपका अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी 3x2, दैट इज 2x2 को जब आपने 3x से मल्टीपल किया तो मेरे पास क्या आ गया 6x4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, तो ये 6x4 कैंसिल आउट। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको नीचे लिखो -8x3। अब फिर से वही 2x2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 8x3 बन जाए। तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए, तो माइनस एक नंबर। अब 2 को किससे करूं कि 8 बन जाए, -4, और x2 को x3 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है 1x, तो साथ में x आ जाएगा, तो सेकेंड टर्म आ गई -4x। तो ये बन गया -8x3। अब फिर से माइनस करना है तो साइन चेंज, +8x3 -8x3 कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट टर्म क्या है 12x, तो 12x को नीचे लिख लो, अब देखो जो आपके पास ये नंबर है इसकी जो डिग्री है वो हमारे डिवाइजर की डिग्री से कम है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहीं पे ये मेरा क्या बन जाएगा रिमाइंडर। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपके रिमाइंडर की जो डिग्री है, देखो 12x माइनस 4 इसकी डिग्री क्या है बेटा 1 है, तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री 2x2 की डिग्री 2 है, तो जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाती है तो फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है, तो दैट विल बी द रिमाइंडर ओनली। तो अब यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या था, क्वोशेंट भी पूछा था, तो क्वोशेंट क्या होगा बेटा, क्वोशेंट इज 3x2 माइनस 4x एंड रिमाइंडर इज 12x माइनस 4। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट देखो, नाउ सी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको क्या करना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, देखो मैक्सिमम पावर क्या है एक्स की यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले मैक्सिमम पावर लिखी है, फिर उससे कम एंड देन सो ऑन, रिड्यूसिंग में ही लिखी है, तो एज इट इज लिख लूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं होता तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते बेटा। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है मुझे, सॉरी, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये आ जाएगा 5x10 माइनस 9x8
माइनस 9x 5 प्लस 7x को डिवाइड कर रहे हैं हम x पावर 5 के साथ। अब देखो सबसे पहले बेटा x 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर 5x 10 बन जाए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक तो नंबर तो सीधा ही है 1 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब x की पावर 5 ऑलरेडी है, 10 बनानी है तो कितनी पावर और चाहिए, x पावर 5। तो दैट मींस जो फर्स्ट टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, 5x पावर 5। तो जब आप x पावर 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5x पावर 5 के साथ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 5। और मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं बेटा, प्लस हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 5x पावर 10। तो फर्स्ट टर्म आ गई मेरे पास 5x पावर 5। अब इनको फिर माइनस करना है, साइन चेंज, तो माइनस 5x 10 प्लस 5x 10 कैंसिल। अगली टर्म नीचे ले आओ, माइनस 9x पावर 8। अब फिर से रफ वर्क में, ये सब रफ में लिख रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखो x 5 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 9 माइनस 9x पावर 8 आ जाए। तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए, तो माइनस, फिर नंबर जो चाहिए 9। अब 5 ऑलरेडी है, 8 बनाना है, कितना कम पड़ रहा है, यस 3। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, माइनस 9x क्यूब, तो माइनस 9x 8 बन गया। फिर से साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस 9x 5। अब x पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करें माइनस 9x 5 बन जाए। तो देखो x पावर 5 तो ऑलरेडी दोनों में ही है, क्या चीज नहीं है, हाँ जी बेटा माइनस 9। तो यहाँ पे मैं माइनस 9 लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 9 x पावर 5। फिर से साइन चेंज, ये कैंसिल, और जो नेक्स्ट टर्म है 7x उसको नीचे लिख दो। अब आप देखो ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम है, अब फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आया बेटा मेरे पास, तो क्वेश्चन इज 5x5 माइनस 9x क्यूब माइनस 9, ये आपका क्वेश्चन आ गया। और रिमाइंडर आप ऑलरेडी बता चुके हो, रिमाइंडर इज 7x। तो इसी वे से आप थर्ड पार्ट को ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हो जाएगा बेटा वो भी।